LASER, लेजर. एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? लेजर का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले फुल फॉर्म देखने से पहले ये जानते हैं कि लेजर है ना, कि जरूरत क्यों पड़ा और इस पे खोज किसने किया और कब हुआ. पहला चीज मैमेन, ठीक है. क्या है साइंटिस्ट का नाम? T.H. मैमेन. मैं मेन हूं इसीलिए मैमेन, ठीक है. T.H. मैमेन, ठीक है. भूलोगे तो नहीं साइंटिस्ट का नाम क्या है? T.H. ऐसे बोलना है. मैं मेन हूं T.H. मैमेन. याद हुआ कि नहीं साइंटिस्ट का नाम? याद हो गया ना, ठीक. दूसरा चीज गर्ल्स भी बोलेंगे ना जी, मैमेन बोलेंगे, मेन, ठीक है. अब एकदम डिटेल से वोकैबुलरी ग्रामर में नहीं जाना, ठीक है. याद करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ओके. सेकंड चीज इसका जो ये 1960 में इनका हुआ था, ये फॉरेन कंट्री के जी, हमारे देश के नहीं है लोग, ठीक है. ये थियोडोर, इसका नाम है T.H. थियोडोर मैमेन. T.H. मतलब थियोडोर, वो साइंटिस्ट का फुल नाम है. जैसे नहीं बोलते हैं SS, जैसे सागर साहू है ना, S से सागर, S से साहू, वैसे T.H. से थियोडोर. T.H.M. भी लिख सकता हूँ, थियोडोर मैमेन, वो एक नाम होता है लिखने का, ओके. ये दो चीज याद हुआ कि नहीं? पहला साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने लेजर का खोज किया, क्या नाम उसका? T.H. मैमेन, ठीक है. उसके बाद कब खोज किया? 1960 में, ठीक है, 1960 में. T.H. मैमेन के साथ दो और साइंटिस्ट थे, है ना, दो और साइंटिस्ट थे. बस इतना याद रखना कि दो साइंटिस्ट थे और इसके साथ तीनों मिलकर इन्होंने लेजर का खोज किया था. लेजर से पहले मेजर था, है ना. अब वो हमारा टॉपिक नहीं है, उसको नहीं बता रहा मैं, तो हमको लेजर को लेके चलना है. पहला चीज लेजर क्लियर हुआ. लेजर के बाद इसके साइंटिस्ट जो है T.H. मैमेन, इसकी जो ईयर है 1960 में फर्स्ट लेजर जो बना उसका नाम था रूबी लेजर. क्या नाम था? रूबी लेजर. याद रखना फर्स्ट लेजर कौन सा है हमारा? रूबी लेजर. क्लियर हुआ? फर्स्ट लेजर हमारा क्या है? रूबी लेजर. क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो रहा है, ठीक. फर्स्ट जो हमारा लेजर है वो क्या है? रूबी लेजर, ओके. अब ये भी लेजर के हम टाइप में भी नहीं जा रहे हैं, अभी हम देखते हैं लेजर का फुल फॉर्म, ओके. लेजर का फुल फॉर्म थोड़ा बदल हो जाते हैं. यहां तक दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है, आया ना, ठीक. लेजर एल से होता है लाइट, एल से रेडिएशन, आर फॉर रेडिएशन. नाम याद हुआ कि नहीं? पहले तो नाम याद करो. L for light, A for amplification, S for stimulated, stimulated, okay. E for emission, R for radiation, okay. एक शब्द बोलना है light amplification by stimulated emission. यहां पर जोड़ना है off, यहां पर जोड़ना है क्या? Off for radiation. नाम याद हुआ कि नहीं? नाम क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है. इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक मिनट यहां कर, है ना, विकिरण के उद्दीप्त, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन, उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, प्रकाश का प्रवर्धन. खतरनाक नाम, ठीक है. हाँ ठीक है, हिंदी हमें भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का स्टार्टिंग आप लोग जो है 12th
ट्वेल्थ क्लास में पढ़े होंगे विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन। एक्चुअल में लेजर से क्या होता है, लेजर हम लोग एक प्रकार से प्रकाश को एक डिफरेंट वे में बता रहे हैं, है ना। जैसे हम बल्ब जल रहे थे, आप अभी अपने घर में हो, है ना, और घर के ऊपर में बल्ब जल रहा होगा, है ना, वो एक ऑर्डिनरी लाइट है। वो कौन सी लाइट है, हमारा ऑर्डिनरी लाइट है, और लेजर जो है हमारा अलग लाइट है, ठीक है। इसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो प्रॉपर्टी, दोनों का डिफरेंट है। ये मोनोक्रोमेसिटी होगा, वो मोनोक्रोमेसिटी नहीं होगा। इसका हाईली डायरेक्शनल होगा, हाई इंटेंस होगा, कोहेरेंट होगा। इसको वन बाई वन अपन देखते हैं है क्या चीज, ये एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, अभी इतना याद हुआ कि नहीं? पहला लेजर, लेजर के साइंटिस्ट का नाम डीएच मैमेन। कितने साइंटिस्ट ने मिलकर बनाए हैं, तीन। कब हुआ, 1960। एंड फर्स्ट लेजर वॉज, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लेजर, रूबी लेजर। एंड नाउ एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिम्युलेटेड, डी फॉर सेकेंड नंबर है जो मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक वर्णी, एक वर्ण के साथ, मतलब उसका जो प्रकाश है वो एक ही निकलेगा ना, वो एक वर्ण का है, ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड नंबर है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब वो है वो सेम फेस सेम एम्पलीट्यूड में होगा। इंटेंसिटी उसकी तीव्रता को, डाइवर्जेंस मतलब उसको फैलाव को, क्लियर। जोर से बोलो, फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, डायरेक्शनलिटी। इसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, है ना। जैसे मैं लेजर को ऑन करूंगा वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, भाई दूसरा लाइट रहता है ना तो वो इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, किधर भी जा सकता था, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ओके, लेकिन जो हमारा डायरेक्शनलिटी का मतलब होता है कि वो एक ही डायरेक्शन की ओर जाएगा, क्लियर हुआ, एक ही डायरेक्शन, ऐसा क्लियर हुआ। क्या दस, अरे तुम लोग वो जानते हो ना, अरे क्या बोलते हैं, पकड़ देते हो ऑर्केस्ट्रा अगर मारते हो लेजर लाइट पकड़, हाँ ऐसे आप दीवार पे शिवकली के सामने ऐसे मारोगे तो वो क्या करता है, उसको खाने के लिए दौड़ता है, ठीक है, वही, वो भी एक लेजर लाइट है। लेकिन सबका एक अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे मैं इसके यूजेस बताऊंगा ना लेजर का, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये इसको मिटाओ, इसका यूज देखते हैं क्या क्या यूज है। यूज फर्स्ट इन मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, इसका मेजरमेंट कहां करते हैं हम लोग, लंबी दूरी को ज्ञात करने के लिए, है ना, किसका उपयोग करते हैं हम लोग, लेजर का। ओके, सेकंड है हमारा थिक मेटल, बोलते एक वर्णी, एक वर्णीय प्रकाश पुंज। ओके, एक वर्णीय प्रकाश पुंज बोला जाता है इसका मोनोक्रोम, मतलब वो क्या करेगा, लेजर जो है एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाने के साथ साथ उसका एक फिक्स लेंथ रहेगा। जैसे लेजर इतने से निकल रहे हैं ना, वो लास्ट पॉइंट तक भी इतना ही उसका रहेगा, क्या समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं कोहेरेंट। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, कोहेरेंट, कोहेरेंट या कोहेरेंस भी बोला जाता है इसको, कोहेरेंस। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंस, कोहेरेंस क्या होता है, आप वेव पढ़े, वेव, वेव जानते हो, पढ़े हो ना, हाँ, वो सैफ अली खान वाला वेव, जी वेव नहीं बोलते हैं वही वाला वेव पढ़ना है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा वेव का,
हाँ वो सैफ अली खान वाला वेव है यहाँ पर भी, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, सॉरी कोहेरेंट का मीनिंग, जैसे ये इस फेस में जा रहा है ना, इसका सेम एम्पलीट्यूड है, सेम इसका फेस है ना, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, फेस भी सेम होगा। तो इस कंडीशन में ये फर्स्ट वेव हो गया ए, अब सपोज मान के चलो ये सेकंड वेव सिमिलर वे में चलेगा, इसी के साथ चलेगा है ना, जो इस जा रहा है वैसे ही चलेगा, तो इसको बोलते हैं कोहेरेंस या कोहेरेंट है ना। फर्स्ट वेव जो है सेकंड वेव के रिस्पेक्ट में कोहेरेंस है, ओके। अब मान के चलो इनकोहेरेंट को बताऊंगा, इनकोहेरेंट का मतलब है कि अभी इसके उत्पटांग भरेगा है ना, ये ऊपर से जा रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये वन से स्टार्ट हो जाएगा है ना, तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये कहलाता है क्या इनकोहेरेंट। इसको दूसरे वे में और कह सकते हैं कि ऊपर कभी नीचे इस तरह से हो सकता है, तो ये कहलाता है इनकोहेरेंस, ओके। सेम फेस सेम एम्पलीट्यूड के साथ चले तो कोहेरेंस, ठीक है। तो लेजर हमारा जब एक बार ऐसे निकल गया तो वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी है कोहेरेंस का, ओके। नेक्स्ट जो है इंटेंसिटी का होता है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ओके ठीक। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है क्या, तीव्रता, ठीक। इसका क्या होता है, तीव्रता, तीव्रता जानते हो आप लोग, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, जहां पर हमको उसका एक इफेक्ट फील होगा है ना, हीटिंग इफेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इसका फर्स्ट नंबर पॉइंट, ओके। फर्स्ट नंबर पॉइंट में याद रखना, ये जैसे हीलियम नियॉन लेजर है ना, दिख रहा सबको, हीलियम नियॉन लेजर, इसमें नंबर वन पॉइंट याद रखना है कि हीलियम नियॉन लेजर जो होता है फर्स्ट गैस लेजर होता है, फर्स्ट गैस लेजर। इसके पहले हम लोग देखे थे सॉलिड स्टेट लेजर, फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर क्या होता है हमारा, रूबी लेजर, जो कब बना था, 1960 में ये बना था रूबी लेजर, ओके। हीलियम नियॉन लेजर वो कब बना है, 1961, ओके। थर्ड नंबर याद रखना, इसको बनाया कौन है, इसको बनाया है अली जवन एंड हिज कोवर्कर्स है ना, कोवर्कर्स, ओके। थर्ड नंबर क्या है हमारा, अली जवन एंड हिज कोवर्कर है ना, अली जवन और उनके साथियों ने मिलकर हीलियम नियॉन लेजर को गैस को बनाया है, ओके। फोर्थ नंबर क्या है हमारा है ना, ये कहां बना है ना, ये बना है यूएसए, यूएसए के कहां, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी बना है, ओके। इतना याद हुआ, ठीक। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या है, हीलियम नियॉन लेजर है ना, हम तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट गैस लेजर है, लेकिन किसके मिक्सचर से बना हुआ है, इसको ध्यान देंगे तो मिक्सचर ऑफ इसका मिक्सचर है किसका, किसका, हीलियम गैस और नियॉन गैस, ओके। सिक्स नंबर, ठीक, ये कितने कितने रेशियो में हम लोग लिए हैं है ना, तो हीलियम जो है 90% होगा, ओके। नियॉन जो होगा वो 10% होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको रेशियो में कई बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, रेशियो कितना आता है, याद रखिए 9:1, ओके। और स्कोर क्या लिख सकते हैं, 9:1, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दो पॉइंट और बचा है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ, आउटपुट, आउटपुट से पहले भाई ये हीलियम नियॉन लेजर है ना, आउटपुट तो देगा लेकिन कौन से कलर का देगा, ये देगा रेड कलर का,
है ना, ये रेड लाइट करेगा, जो भी रेड लाइट रहेगा वो होगा हमारा हीलियम नियॉन लेजर। ओके, ये कितने का होगा इसको याद रखिएगा, तो कितना होता है 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये इतने पॉइंट है जो आपको हीलियम नियॉन लेजर को याद करना है। ओके, रूबी लेजर, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो रहा है? ठीक, फर्स्ट जो हमारा लेजर है वो क्या है? रूबी लेजर। ओके, अब ये भी लेजर के हम टाइप में भी नहीं जा रहे हैं, अभी हम देखते हैं लेजर का फुल फॉर्म। ओके, लेजर का फुल फॉर्म थोड़ा बगल हो जाते हैं, यहां तक दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है, आया ना? ठीक, लेजर एल से होता है लाइट, एल से क्या होगा? लाइट। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। लाइट मतलब क्या होगा? प्रकाश। ठीक है, जिस वजह से नाम मेरे को हिंदी मालूम है बता दूंगा, नहीं मालूम है छोड़ दूंगा, है ना। ए से एम्पलीफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एम्पलीफिकेशन? एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन मतलब होता है विस्तार किसी भी चीज का। ओके, एल हो गया, ए होगा एस, लाइट एम्पलीफिकेशन इसी में जोड़ दो बाई करके, है ना, बाई जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, हमेशा आदमी को एक बार बाई को जोड़ना रहता है, ठीक है, इसीलिए ये बाई है। ठीक है, हाँ बाई बोले तो खुश हो गए सब लोग। ठीक है, देखो एल से लाइट, ए से एम्पलीफिकेशन, एस से स्टिम्युलेटेड, स्टिम्युलेटेड, ई से स्टिम्युलेटेड। ओके, ई फॉर इमिशन, ई फॉर इमिशन, इसका उद्दीप्त और इसका उत्सर्जन, है ना, इसका उद्दीप्त और इसका उत्सर्जन, इमिशन मतलब होता है उत्सर्जन। एंड आर फॉर रेडिएशन, आर फॉर